प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एक गाइड जिला संस्था चित्रकूट की ओर से भरतकूट क्षेत्र के कौल आदिवासी 100 परिवारों को राशन सामग्री के किट बांटे गए। इस मौके पर राज्य मंत्री उप शून्य सरकार श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की मौजूदगी में जिलाधिकारी शेषम्बी पांडेय ने ग्रामीणों से जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी ली। योजनाओं के लाभ दिलाने में हीला हवाली करने वाले सचिव और रोजगार सेवक को जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस गांव में जो जिस योजना से वंचित है उन्हें हर हाल में लाभान्वित कराएं। 15 दिन बाद वह फिर यहां आएंगे। इसके बाद राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, जिला अधिकारी शेषम्बी पांडेय, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिराज राम ने अति गरीब कौल आदिवासी परिवारों को खाद्य सामग्री राहत किट का वितरण किया। राहत किट में आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला, नमक, हल्दी आदि लगभग 30 किलो खाद्य सामग्री प्रदान की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी जी के जन्म दिवस पर उप शून्य भारत स्काउट और गाइड जिला संस्था चित्रकूट का यह सेवा कार्य बेहद सराहनीय है। गरीबों की सेवा मानवता की सच्ची सेवा है। कहा कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों को ही स्वच्छ शौचालय, गैस चूल्हा आदि योजनाएं प्रारंभ किए। आगे कहा कि मोदी जी 70 साल के हो गए, 70 सेवा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारत स्काउट गाइड का यह कार्यक्रम भी उन कार्यक्रमों में जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह बहुत ही पुनीत कार्य स्काउट गाइड जिला संस्था द्वारा मोदी जी के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया। इसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला संस्था चित्रकूट के सचिव सुरेश प्रसाद और उनके टीम की सराहना की है। कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पर स्काउट गाइड बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य गरीबों को खाद्य सामग्री वितरित करा कर किया है। हमें मोदी जी के जन्मदिवस पर ऐसे ही सेवा कार्यों को करते रहने का संकल्प लेना चाहिए। यही स्काउट गाइड की मूल भावना है। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने कहा कि स्काउट गाइड संस्था ऐसा ही वह विद्यार्थी जीवन में 2 साल तक जुड़ेगा। उन्हें सेवा की भावना स्काउट गाइड ऐसा ही मिली है। जैसे ही उन्हें इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण मिला वह बेहद उत्साहित था। कहा कि स्काउट गाइड सेवा का मूल मंत्र सिखाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक बलिराज राम ने कहा कि देश के संकट काल में हमेशा विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था स्काउट गाइड अपनी सेवाएं देने में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। जनपद चित्रकूट में भी मयारीन पटेल और सुरेश प्रसाद जी जैसे उत्साही शिक्षकों के माध्यम से संकट के हर घड़ी में यह संस्था सहयोग कर रही है। कोरोना महामारी में जिला स्काउट गाइड संस्था राहत सामग्री बांटने के पहले गरीबों को सैनिटाइजर, साबुन व मास्क वितरित किया था। आज मंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में आज गरीब परिवारों को राशन सामग्री बांटी गई। इसमें CIC प्रधानाचार्य दो रणवीर सिंह चौहान, जिला सचिव सुरेश प्रसाद, अवध बिहारी, श्याम बिहारी, मयारीन पटेल, मोहनलाल की, अवधेश सिंह, प्रेमचंद्र, अर्चना यादव, शहनाज बानो, आराधना सिंह, कमला साहू, राम प्रसाद यादव, सुंदर लाल सुमन, साकेत बिहारी शुक्ला, सतेंद्र सिंह, राजकुमार सिंह और जिला विद्या निरीक्षक बलिराज राम ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। शिक्षक लालमन ने कोरोना गीत प्रस्तुत कर उपस्थित ग्रामीणों को कोरोना बीमारी ऐसे ही सचेत किया और 2 गज की दूरी, मास्क लगाने, साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम के सफल आयोजन में मयारीन पटेल, मोहनलाल, दीन शंकर प्रसाद यादव, अवध बिहारी, श्याम बिहारी, अवधेश सिंह, कमला साहू, अर्चना यादव, शहनाज बानो, राजकुमार सिंह, साकेत बिहारी शुक्ला, राम प्रसाद यादव, सत्येंद्र सिंह, अनिल कुमार सिंह, जानकी शरण, प्रेमचंद्र सिंह, गया प्रसाद बौद्ध का सराहनीय सहयोग रहा। अतिथियों के सम्मान में राहत किट के वितरण में स्काउट गाइड स्वयंसेवकों का भी योगदान रहा, जिनमें छात्र रामदयाल, जानकी शरण, आशीष साहू, विनय साहू, ऋतिक रामनारायण, ललित यादव, अभिलाष कुमार, सुशील कुमार, शिखा सोनी की सेवाएं प्रशंसनीय रही है। कार्यक्रम का सफल संचालन सुरेश प्रसाद, सचिव उप शून्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला संस्था चित्रकूट द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, लाभार्थियों, स्वयंसेवकों व सहयोगियों का आभार जताया। आप